गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज एक बार फिर गुड स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है आज हम आप लोग को कंजक्शन पढ़ाने जा रहे हैं कंजक्शन जानने के पहले कंजक्शन का डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है तो देखते हैं कंजक्शन का डिफिनेशन क्या होता है ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू सेंटेंसेज एंड समटाइम्स टू वर्ड्स कंजक्शन एक वर्ड्स होता है जो दो सेंटेंस और कभी कभी दो वर्ड्स को जोड़ता है एग्जाम्पल वो दो वर्ड और दो सेंटेंस को जोड़ता है किसके थ्रू जोड़ता है जैसे एंड और बट बिकाउच शो आइदर और नाइदर नोर फोर सिंस ऑल्सो इटीसी एग्जाम्पल देखते हैं रोहित इज ए इंटेलिजेंट बॉय एंड मोनू इज ए लेजी बॉय यहाँ रोहित इज ए इंटेलिजेंट बॉय और मोनू इज ए लेजी बॉय ये दोनों के बीच कौन जोड़ा एंड है और एंड का मतलब होता है और रोहित एक बुद्धिमान लड़का है और मोनू एक आलसी लड़का है तो एंड क्या हुआ कंजक्शन उसी तरीका से और एग्जाम्पल देते हैं ही इज नॉट अ स्मार्ट बट ही इज ऑनेस्ट वह स्मार्ट नहीं है बट लेकिन वह ऑनेस्ट है इसका मतलब बट क्या हुआ कंजक्शन इस तरह से आगे देखते हैं टू एंड टू मेक फोर दो और दो मिलकर क्या होता है चार होता है तो टू एंड टू एनी एंड क्या हो गया कंजक्शन इस तरह इज ही अस्लिप इज ही अस्लिप और अवेक क्या हुआ सोया हुआ है या फिर जगा है तो और का मतलब क्या होता है या क्या हुआ सोया है या जगा है ये दोनों को एज स्लीप और अवेक के बीच में जो कंजक्शन क्या और और मिस क्या होता है या यो, या क्या हुआ कंजक्शन इस तरह से कंजक्शन कंजक्शन को कंजक्शन इज आल्सो नाउन एज ए सेंटेंस कनेक्टर कंजक्शन को हम लोग सेंटेंस कनेक्टर भी कहते हैं कनेक्टर मीस जो दो चीज़ों को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं कनेक्टर तो कंजक्शन को हम लोग कनेक्टर्स भी बोलते हैं तो, तो देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन कंजक्शन के प्रकार पहला होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन इसका डिफिनेशन क्या होता है ज्वाइंट सेंटेंसेज इन इक्वल रैंक दो सेंटेंस को जोड़ता है इक्वल रैंक में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट दो सेंटेंस होता है एक और दो और दोनों का अपना इक्वल रै स्टेटमेंट होता है दोनों में कोई एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होता है इसलिए बोलते हैं ज्वाइन सेंटेंसेस इन इक्वल रैंक दोनों इंडिपेंडेंट होता है तो इसका एग्जांपल देखते हैं बर्ड्स फ्लाई एंड फिशेस स्विम चिड़िया उड़ती है और फिजेस मछलियाँ तैरती है तो बीच में क्या है एंड ये एंड क्या है एंड मीस क्या होता है और, और, और क्या हुआ कोऑर्डिनेट कंजक्शन और, दोनों और ये दोनों जो सेंटेंस है फिशेज स्विम और बर्ड्स फ्लाई ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जिसको बोलते हैं इक्वल रैंक दोनों में कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है अब आगे एग्जांपल देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन में किसको रखा गया जैसे एंड एंड मिस और बट मिस लेकिन और मिस या नोर मिस नहीं आयदर और, या तो या तो वह नायदर नोर ना तो यह ना तो वह दोनों में से कोई नहीं स्टिल मिस अभी तक इवेन मिस वी टू मिस वी एज वेल मिस वी एंड ऑल्सो मिस वी ये सभी क्या है कोर्डिनेट कंजक्शन कोर्डिनेट कंजक्शन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंटेंस के तौर पर रामा एंड श्याम आर कमिंग राम और श्याम आर ये दोनों के बीच में क्या है एंड एंड क्या है कोऑर्डिनेट कंजक्शन यू शुड हेल्प और ही विल डाई या और क्या है कोऑर्डिनेट कंजक्शन इस तरह से आई वेंट बट ही वॉज नॉट देयर यहाँ बट क्या हुआ कोऑर्डिनेट कंजक्शन ही वॉज टू वीक विक टू क्या है टू मिस क्या होता है भी वो बहुत ज्यादा कमजोर है ये भी क्या हुआ कोऑर्डिनेट कंजक्शन सी विल ऑल्सो कम है ये ऑल्सो क्या है कोऑर्डिनेट कंजक्शन यू मे गो यू मे गो बट आई विल स्टे बट क्या हो गया कोऑर्डिनेट कंजक्शन आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन बट क्या हो गया कोट कंजक्शन आई वेंट टू शॉप एंड बॉट ए पेन यहां एंड क्या हो गया Coordinate conjunction. अब आगे देखते हैं दूसरा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन सब ऑर्डिनेट कंजक्शन इसका डिफिनेशन क्या होता है द सेंटेंसेस कंटेंट टू स्टेटमेंट वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर थ्रू दीज कनेक्टर्स द सेंटेंसेस कंटेन टू स्टेटमेंट वैसे सेंटेंस जो दो स्टेटमेंट रखते हैं एक या दो ये दो स्टेटमेंट रखते हैं उसमें से एक स्टेटमेंट होता है कि दूसरे पर डिपेंडेंट होता है थ्रू कनेक्टर थ्रू कनेक्टर के द्वारा डिपेंडेंट रहता है वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं सबोर्डिनेट कंजक्शन तो देखते हैं कि सबॉर्डिनेट कंजक्शन में किसको किसको रखा गया है जैसे सबोर्डिनेट कंजक्शन किसको रखा गया है आफ्टर मिस बाद में बिफोर मिस पहले बिकॉज मिस क्योंकि इसलिए इफ मिस यदि दैट मिस की मिस यदि ये सभी क्या है सबोर्डिनेट अनटिल मिस जब तक नहीं या फिर जब तक अनलेस मिस जब तक एज मिस क्योंकि या फिर जैसे कि वैन मिस जब या फिर कब where मिस जहाँ या फिर कहाँ how मिस कैसे वाइल मिस जब तक सिंस मिस जब से या फिर क्योंकि देन मिस कंपेरिजन में होता है तुलना करने के लिए so मिस होता है इसलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं सब कंजक्शन का आई विल सी यू बिफोर यू गो इसका हिंदी क्या हुआ आई विल सी यू मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बिफोर यू गो तुम्हारे जाने से पहले तो ये बिफोर यू गो ये क्या हो गया सबऑर्डिनेट कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्योंकि यू गो के पहले क्या है बिफोर और ये बिफोर क्या है सबोर्डिनेट कंजक्शन है इसमें जो ये पहला सेंटेंस है ये दूसरा सेंटेंस है ये दूसरा सेंटेंस जो है जो पहला सेंटेंस से डिपेंडेंट है आई विल सी यू मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बिफोर यू गो तुम्हारे जाने के पहले इस तरह से आगे एग्जाम्पल देखते हैं आई रिटर्न होम आफ्टर द सन सेट आफ्टर द सन हैड सेट एक सेंटेंस है और एक दूसरा सेंटेंस है आई रिटर्न होम एक सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस है तो एक सेंटेंस आई रिटर्न होम मैं घर आया आफ्टर के बाद द सन हैड सेट जब सूरज डूबा तब मैं घर आया तो कहना मतलब पहला सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट किसके थ्रू आफ्टर के थ्रू और ये आफ्टर क्या हो गया सबऑर्डिनेट कंजक्शन अब इस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं वेट हार टिल आई रिटर्न इसमें टिल क्या हो गया कंजक्शन सबोर्डिनेट इस तरह से आई हैव हिडन इट वेयर इट कैन नॉट बी फाउंड या वेयर क्या हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन इस तरह से वेट वेटिल द ट्रेन वेट अनटिल द रेन अस्टॉप या क्या हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन इस तरह से डोंट मूव अनटिल आई कम बैक अनटिल ये क्या हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन क्योंकि ये पहला दूसरा सेंटेंस है पहला पर डिपेंड है डोंट मूव मत कहीं मत जाना अनटिल आई कम बैक मेरे आने तक इस तरह से डोंट लीव टिल आई अराइव इस तरह से टिल हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन लेट्स वेट टिल द ट्रेन स्टॉप्स यहाँ टील वही हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन इस तरह से आगे एग्जाम्पल लेते हैं गॉड मेड द अर्थ वाइल मैन मेड द कंट्री भगवान ने पृथ्वी बनाया जबकि वाइल मैन मेड द अर्थ जबकि मैन मानव ने टाउन शहर बसाया तब वाइल मैन मेड क्या है वाइल क्या हुआ आपका सबोर्डिनेट कंजक्शन इस तरह से अस्ट्राइक द आयरन वाइल्ड इट इज हॉट यहाँ वाइल्ड हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन इस तरह से आई लाइक टी वाइल्ड ही लाइक कॉफी वाइल्ड क्या हो गया सबॉर्डिनेट कंजक्शन इस तरह से डू एज आइज से डू मिस करो जैसा कि मैं कहता हूं एज क्या हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन सी इज ब्रेव इज हर सिस्टर यहाँ एज क्या हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन लिव द बुक इज इट इज एज क्या हो गया सबॉडिनेट कंजक्शन प्लांट्स ब्रीथ एज एनिमल टू जिस तरह से पौधे सांस लेते हैं वैसे ही एनिमल सांस लेते हैं या एज क्या हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन अब आगे देखते हैं सिंस सी वाज इल सी कुड नॉट गो टू द स्कूल गो टू स्कूल यहाँ सिंस क्या हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन इस तरह से उज 2010 दस से हम लोग उससे नहीं मिले हैं तो सिंस क्या हो गया? Subordinate conjunction. इस तरह से मिल्क इज मोर वॉल्सम देन ब्रेड्स वॉल्सम इस होता है पोस्टिक और देन क्या हो गया आपका कंजक्शन इस तरह से आगे देखते हैं नथिंग इज मोर प्लीजेंट देन क्लाइम्बिंग माउंटेन यह दे क्या हो गया कंजक्शन रश्मि इज यहाँ होगा मोर ब्यूटीफुल एम ओ आर ई मोर यह मोर होगा रश्मि इज मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर यह देन क्या होगा कंजक्शन इस तरह से आई डोंट नाउ वेयर हैज़ ही गॉन मैं नहीं जानता हूँ वह कहाँ गया है तो यहाँ वेयर क्या होगा कंजक्शन इस तरह से वैन आई रिच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन क्या हो गया कंजक्शन जिसको बोलते हैं सबोर्डिनेट कंजक्शन जिसमें एक सेंटेंस दूसरे से डिपेंडेंट होता है इस तरह से देखते हैं आई डोंट नाउ वैन ही हैज व्हेन हो गया कंजक्शन सबोर्डिनेट कंजक्शन इस तरह से वैन आई वॉज यंगर आई थॉट सो जब मैं जवान था तो ऐसा सोचता था तो वैन क्या हो गया सबोर्डनेट कंजक्शन इसी तरह से ही फाउंड हिज मोबाइल वेर ही हैड लेफ्ट इट या वेर क्या हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट हैपन आई डोंट मैं नहीं समझ सक मैं नहीं समझता हूँ हाउ इट हैपन कैसे यह हुआ तो हाउ इट हैपन क्या हो गया हाउ इट क्या हो गया हाउ हो गया आपका सबोर्डिनेट कंजक्शन आई नाउ दैट ही डजेंट थिंक सो या दैट क्या हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन इस तरह से आई विल कम इफ आई एम नॉट इल या इफ क्या हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन आई लॉस्ट द प्राइज आई लॉस्ट द प्राइज द आई ट्राई माई बेस्ट या दाव क्या हो गया कंजक्शन सबोर्डिनेट एंड ही सेट डाउन बिकाउज ही वॉज टायर्ड या बिकाउज क्या हो गया सबोर्डिनेट कंजक्शन इस तरह से हम लोग सबॉर्डिनेट कंजक्शन के बारे में पढ़े जिसमें होता है क्या दो सेंटेंस होता है और एक सेंटेंस सबॉर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू डिपेंडेंट होता है दूसरे सेंटेंस से अब हम आगे चर्चा करते हैं को रिलेटिव कंजक्शन को रिलेटिव कंजक्शन तीसरा कंजक्शंस आर यूज इन पेयर वैसे कंजक्शंस जो पेयर में होते हैं तो पेयर में कैसे होते हैं जैसे आयदर और आयदर और मीस या तो यह या तो वह ये हो गया आयदर और पेयर में हो गया देखिए आयदर भी है और भी ये दोनों एक साथ रहता है इसलिए इसको बोलते हैं को रिलेटिव कंजक्शन जैसे नाइदर नोर ना तो यह ना तो वह इस तरह से बोथ या फिर एंड दोनों या फिर और इसका हिंदी होता वेदर और चाहे या न चाहे नॉट वनली बट ऑल्सो so दैट इतना की या फिर एज एज अब इसका एग्जाम्पल को थ्रू समझते हैं कोरिलेटिव सेंटेंस को तो यहां देखते हैं ही इज फेमस ही इज फेमस नॉट ओनली इन हीज स्टेट बट आल्सो इन हिज कंट्री वह अपने स्टेट में से अपने राज्य में ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि ऑल्सो इन कंट्री अपने देश में भी प्रसिद्ध है इस तरह से पेयर में होता है नॉट ओनली बट आल्सो या नॉट ओनली बट आल्सो हमेशा ये पेयर में आते हैं इसके बाद ही हेल्प्ड द पुअर नॉट ओनली फूड बट आल्सो विथ मनी इस तरह से होता ही इज ना इधर गुड एट इंग्लिश नोर एट हिंदी ना ही वह इंग्लिश में अच्छा है ना ही वह हिंदी में अब आगे देखते हैं यू आर ना इधर माई फ्रेंड नोर माई एनिमी ना ही तुम मेरा दोस्त हो ना ही तुम मेरे शत्रु हो इस तरह से हम लोग फिर देखते हैं आगे ही इज आयदर गुड एट इंग्लिश और एट हिंदी या तो वह इंग्लिश में अच्छा है या वह हिंदी में अच्छा है इस तरह से बोथ रोहित एंड सिद्धांत आर गुड दोनों रोहित और सिद्धांत अच्छे हैं बोथ मदर एंड फादर आर एट होम दोनों माताजी और पिताजी दोनों घर में हैं बोथ रीता एंड गीता गो टू स्कूल इस तरह से बोथ एंड एंड ये दोनों पेयर में यूज होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं को रिलेटिव सेंटेंस सी स्पीक्स फ्रेंच एंड इंग्लिश इसका मतलब इसके आगे बोथ सी स्पीक्स सी स्पीक्स यहां लिखना है बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश यानी कि वह दोनों बोलता है ये बोलती है यू कैन नॉट से वेदर ही विल गो और नॉट कैन नॉट सी आप नहीं कह सकते हैं कि चाहे वह जाएगा या फिर नहीं जाएगा वेदर वेदर और और दोनों एक साथ यूज हुआ इसलिए इसको क्वालिटिव कंजक्शन बोलते हैं ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही ऑलवेज विन एन आर्गूमेंट वह इतना तेज है कि वह हमेशा बहस में जीत जाता है सो और दैट यूज हुआ है कंजक्शन के रूप में इस तरह से ही इज एज ही इज आई एम वह वह इतना तेज है या फिर इतना चालाक है जितना मैं एज है आपका क्वालिटी इसके आगे भी एक एज हो सकता है एज ही इज एज क्लेवर एज आई एम वो मेरे जितना चालाक है अब आगे सेंटेंस देखते हैं कंपाउंड कंजक्शन कंपाउंड कंजक्शन हुआ जिसको टू और मोर कंजक्शन कंबाइंड दो या फिर दो से अधिक कंजक्शन कंबाइंड होकर जो बनता है उसे बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड कंजक्शन अब देखते हैं इसका कंपाउंड कंजक्शन किसको बोलते हैं जैसे एज वेज साथ ही साथ एज फार एज जहां तक कि एज सुन एज जैसे ही एज इफ जैसे कि प्रोवाइडेड दैट वसरते यदि फिर सो दैट माना कि या फिर ताकि एज इफ यदी इन ऑर्डर दैट ताकि एंड एज दाव जैसे कि पर देखते हैं राइट टू मी एज सुन एज यू रिसीव लेटर राइट टू मी मुझे लिखना जैसे ही लेटर तुम्हें प्राप्त हो तो एज सोन एज क्या हो गया कंपाउंड कंजक्शन इस तरह से रोहित एज एज क्या हो गया कंपाउंड कंजक्शन इस तरह से ही लुक्स इज इफ टाय दिखता है जैसे कि थका हुआ है एज क्या हो गया कंपाउंड कंजक्शन एजिफ एजिप हो गया आपका कंपाउंड कंजक्शन एजिफ इस तरह से आपका हो गया आई विल डू माई वेस्ट एज फार एज पॉसिबल जहाँ तक कि संभव हो एज फार एज कंपाउंड कंजक्शन आई विल गिव ए बुक प्रोवाइडेड दैट यूर्न इट ऑन टाइम आई विल गिव यू ए बे मैं एक किताब दूँगा प्रोवाइडेड बशरते कि यू विल रिटर्न इट ऑन टाइम समय पर तुम इसे रिटर्न कर दो तो प्रोवाइडेड डेट क्या हो गया कंपाउंड कंजक्शन इस तरह से हम लोग कंजक्शन के बारे में पढ़े कंजक्शन कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कोरिलेटिव और चौथा हो गया कंपाउंड कंजक्शन इस तरह से चार कंजक्शन के बारे में हम लोग पढ़ें और ये चारों कंजक्शन आप लोग को समझ आ गया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें थैंक्स फॉर वाचिंग